दोस्तों सब्सक्राइब करो 7 Star Tech को, और साथ में इस घंटी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। स्वागत है आप लोगों का 7 Star Tech यूट्यूब चैनल में। मैं आशीष पांडे। दोस्तों आज मैं आपको 1000 के अंदर के दो दो बहुत ही अच्छे हेडफोन्स का आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा और बताऊंगा कि इनमें से लेने लायक कौन सा रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सोनी के हेडफोन की। इसको मैं साइड कर देता हूँ। सोनी का हेडफोन जो है दोस्तों, ये आपको अमेज़ॉन पे दो प्राइस पॉइंट पे मिलता है, एक है विद माइक और एक विदाउट माइक। तो विदाउट माइक दोस्तों ये मैंने लिया है, 600 रुपीज़ का है ये। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पर कि ये पहनने में भी अगर आप इसको जब लगाएंगे तो ये उतना कंफर्टेबल नहीं है दोस्तों। और दूसरी आप देख सकते हैं कि इसमें ये आवाज़ आ रही है, तो ये भी बहुत बुरी लगता है, काफ़ी नॉइस फैलाती है बेमतलब में। और दूसरी बात, ये कंफर्टेबल ही नहीं है दोस्तों। और बात करें अगर इसकी साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी दोस्तों बहुत ही स्लो है, मतलब कुछ खास आपको मज़ा आने वाला नहीं है होम जब आपको उसमें अच्छी आवाज़ ही ना मिले। और बेस के नाम पे तो आवाज़ ही फटने लगती है दोस्तों। मैंने इसमें बेस वाले सॉन्ग्स प्ले किए तो उसमें तो इसकी आवाज़ ही फट गई। तो सोनी का नाम ही है यहाँ पर 600 रुपये में, यानी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको थोड़ा महंगा सोनी चेक करना पड़ेगा। सो पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, मतलब कि मेरे ख्याल से अगर ये गिर गया कहीं ढंग से तो फिर तो इसका हो गया कल्याण। दूसरी तरफ इसकी बात करें तो इसमें अच्छी कुशनिंग मिलती है आपको, और आवाज़ तो ये भी कर रहा है दोस्तों थोड़ी बहुत, पर इसकी आवाज़ कम है अगर आप इससे कंपेयर करें। ये देखिए, क्योंकि ये पूरा ही प्लास्टिक का बना हुआ है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये तो इसके आगे कुछ नहीं है। और बात करें अगर JBL की दोस्तों, तो दोनों का कंपैरिजन मैंने लगभग इन्हें हफ्ता भर यूज़ कराया, और जिसमें से ये कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी ग्रिप अच्छी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। तो इससे आपका जो मतलब आपका जी नहीं उबेगा इसके, कितनी भी देर आप पहन सकते हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है दोस्तों। मतलब कि कान में जैसे चुभने लगते हैं बहुत सारे, और इसकी ग्रिप भी अच्छी है, मतलब ढीला नहीं पड़ता, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, JBL का बेस दोस्तों बहुत ही बढ़िया था, मतलब इसका इतना अच्छा, मैंने इसको प्ले करके देखा। इसके अंदर माइक तो नहीं है, एक ये खामी है, पर 899 के अंदर में JBL जैसी इतनी अच्छी क्वालिटी, मतलब साउंड क्वालिटी को तो मैं इसमें 10 में से 10 दे दूंगा दोस्तों। मतलब इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी थी कि सुन के मज़ा ही आ जाता है दोस्तों। कोई भी गाना हो बहुत ही मतलब मज़ा ही आ जाता है सुन के। तो इसका बेस बहुत अच्छा था, जैसे कि मैं अभी आपको कोई बेस वाला गाना सुनाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल सॉन्ग मैंने प्ले किया हुआ है। अब मैं आपको कोई ज़रा तगड़े बेस वाला गाना सुनाता हूँ। अगर आप बेस महसूस कर पा रहे होंगे दोस्तों, तो देखिए कि क्या धांसू बेस आ रहा है, मतलब मज़ा ही आ जाता है इसे सुन के। तो अगर आप एक अच्छा हेडफोन ले रहे हैं, अपना जब बजट आपको आपने हेडफोन के लिए बना ही लिया है दोस्तों, तो आप उसमें कुछ पैसों की वजह से सोनी लेके अपना, मतलब आपको फिर बाद में पछतावा होगा दोस्तों कि यार ये क्या ले लिया, मतलब साउंड जब आप सुनेंगे दोस्तों तो इसमें तो मज़ा ही आ जाता है। और दूसरी चीज़, काफ़ी इसको ब्यूटीफुल भी बना रखा है, मतलब एकदम सुंदर दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, लुकिंग वाइज बहुत अच्छा है। और कुछ इसमें आपको ये मेटल मिल जाता है तो कि स्ट्रेचबिलिटी अच्छी बना देता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों JBL लेना बहुत ही सही होगा, और पहनने में भी आपको कंफर्टेबल नहीं लगता दोस्तों। और दूसरी चीज़, ये बहुत ही ढीला है। और दूसरी तरफ बात करें JBL की, तो दोस्तों ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी ग्रिप है इसकी। मैं मतलब ऑल ओवर अगर दोनों की बात करें तो मैं इसको 10 में से 6 दूंगा सोनी को, और इसको 10 में से 10 ही दूंगा दोस्तों। मुझे JBL का जो
हेडफोन है, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, मैं उसको आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी मतलब आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, अभी कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही टेक और फेयर न्यूज़ मिलती रहे, ताकि आपका पैसा और समय दोनों बचे दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए 7 Star Tech को, और अगर आप इन्हें खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों के बेस्ट बाइंग लिंक मिल जाएंगे, मतलब वहाँ से आपको अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। और मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएंगे इन दोनों हेडफोन्स के, तो आप खरीद सकते हैं। पर मेरा ओपिनियन, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए 7 Star Tech को, और साथ ही साथ बगल में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो घंटी बनी है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस आप तक बड़े आराम से पहुंच सके दोस्तों।